कि किसी भी हाल में यह नमाज माफ होने वाली नहीं है, किसी भी हाल में माफ होने वाली नहीं है। किताब मशहूर एक इस मुसलमान से जिंदगी में साहब खुद मुश्किल तरीन मरहल को शासा। अब मुसलमान मर्द की जिंदगी में, मुसलमान मर्द की जिंदगी में सबसे मुश्किल मरहला वो है कि जब उसके जब उस पर तलवारें चल रही हो बारिश की तरह, इंसान चुता जाए या जाए चारों तरफ से मौत। अगर साफ ओपन लफ्जों में तो समझू मुसलमान चुता जाए या जाए रूद पेट में गोली वसान आ दौरान अगर नमाज झुंटा ये माफ, इस खुदाया मैं कैसा ये नमाज माफ, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा माफ नहीं। खुदाया बह किस अदा कर जवाब अदा कर मगर माफ छ नहीं, इसे कजा पा रही जो नमाज ऐसी हालत में मुमकिन तो यू जहनस मे लिखी थी तथा जवाब हदीस की तमाम किताबों में, हदीस की तमाम किताबों में चैप्टर आसान लिखित सलातुल खौफ। सलातुल खौफ का मतलब क्या गो, यह ऐसी हालत है कि इंसान अपनी नमाज नहीं पढ़ सकता है, दुश्मनों की तरफ से जान का खतरा है, कितकन छो तो नमाज अदा करें, तो गंडुक सवाल ही कि नमाज माफ या नमाज माफ नहीं होती। यस नमाज नबी सबस माफ गई ना, यस नमाज नबी सबन खानदारियन माफ गई ना, स नमाज कैसे गैस आम मुसलमान क्या सा मे मे चक्रस ग मे जैसे मे रन मे बिजनेस करो मे ड्यूटी दी नहीं, किसी भी हाल में नमाज माफ होने वाली नहीं है, हर एक मुसलमान पर फर्ज है। औरत की जिंदगी में मस्तोरातन जिंदगी में सारे खुद मुश्किल तरीन टाइम गो सो ये विज बच खलास गो टाइम है, सही है सबसे मुश्किल टाइम वही ठीक। फर्ज करो खुदा ना खास्ता अमिस मस्तोरा तकलीफ मगर बच चुन वही खलास गुमत त्रे चोर बजे चु टाइम ये वात हस्पताल तकलीफ आलम मौत और जिंदगी का मसला वन चु पता बचा कि ना अत मजा दिगर नमाज चुन टाइम यह खुदा दिगर नमाज चुन टाइम मगर बस तकलीफ किस आलमस मे ये नमाज गा मे माफ तो जवाब ये माफ छ ना ये पर्व खुदा बह हस पढ़ हेक पढ़ मगर माफ छ कजा पर्ज मगर माफ छ दिगर नमाज हूं टाइम तो गो मगर यह खलास ग ओतान आव शाम नमाज हूं टाइम मजीद मज गई बंग यह खुदा तकलीफ आलम मौत और जिंदगी का मरहला बह नमाज अदा कर पेश दिगर तो हुकुम पढ़ पेश यह शाम नमाज हूं टाइम बंग से चलान मे ग ना माफ या तकलीफ किस आलमस मे जवाब ये माफ छ खुदा मगर बह हक पढ़ पढ़ मगर माफ छ पा ओतान आव खफ्त नमाज हूं टाइम बच जन छ खलास ग डॉक्टर से वन हे वो वो मुमकिन ग नेचुरल नेचुरल डिलवरी मा हे ग नॉर्मल डिलवरी मा हे ग मगर छ डिलवरी यहाँ तक कि खफ्त नमाज हूं टाइम तव यह खुदा क्या कंसेशन कोई कंसेशन नहीं नमाज पढ़नी है यह नमाज अत हालत मज माफ ग ना सो नमाज कैसे गैस माफ सान मस्तूरातान जना मे रन मे पलो छल मे बान छल मे क्या तान कर नमाज माफ होने मगर अ जाय खतर कि ईमान वाली से जहनस मे ते दीन मुश्किल इस अत हालत मे माफ ग तथ जवाब नहीं दीन बिल्कुल आसान है कित आसान साहब सबो कर् अर्ज या रसूल सल्ला कंद्र ग पुशारे ग अल्लाह तला गए अत पे नाराज बुजुर्ग फरमो नहीं सफ़ी नौ में तफरी तुन अगर तुम निंद्र गयो पे हेचो ना तुम नमाज पढ़ अल्लाह तला चुन कहें गिल गिल तेल तुम होशियार पढ़ू ना गिला तब है चल एक फिर से जनाब रसूल अकरम साहब ने कि सफर मसब रात तुम सफर चल साहब सबन गए जबरदस्त थकावट साहब सबो क्या रसूल आराम थकाल अगर तुम ऑर्डर करो आराम कर हजरत तो फरमा बिल्कुल ठीक छु रुकन से काफल साहब सब कर आराम मगर जो नफर रोज ड्यूटी नमाज हिंद टाइम सारे होशियार कर हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला तो तुम इस ब्याह साहब सब कर मुकर तुम तो ड्यूटी तु तो रूजो होशियार यु बंग हूँ टाइम गे पार बंग बाकिन कर होशियार नमाज पारो बाक सारे त्रो आराम हजरत बिलाल रजी अल्लाह हमिस सहित वन ऐ त्रा आराम बह पार जोर रखस नमाज पत थो बह नजर यु सुबह सादिक बह पार बंग हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला पर जैसे तहजुद नमाज पढ़ त्रो अम दुख कानि कुन ब्यूट इत हम नजर युत सुबह सादिक मैं पोर अजान पड़ूंगा अथे मज पे नींद ठीक हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अम्स नींद पेमस
تھکاوٹ سے انتہا زیادہ امس یل نندر پے سی شنگت آفتاب تہ کھوت گۄڈنیتھے گٔے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار تہ کھوت سی شنگت اللہ اکبر تم ساری چھٹی نماز فجر نماز کری صاحب صاحب ہوشیار اون خطر بلال رضی اللہ بولے بلال یہ کیا کر عرض حضرات زندگی میں اس مدر نندر میں زاہب اس آز یہ نندر پہ فرمو کھا ٹھیک وچو سے کرو جلدی تیاری نیرو بوٹ مدان سن واتو پڑھو ساری فجر نماز قضا گویا اللہ کے نبی کو بھی نماز قضا ہوئی مجبوری مز ہے قضا گسل انسان ہوک نہ ہوشیار گسل ہے قضا گسل مگر بہرحال مسلمان سمجھ نماز مطلب فرض ہے یہ معاف کسی